अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम आपको विजिट करवाते हैं, सात मरला घर है बैरियट नॉन लाहौर में ये मौजूद है। ये पाँच मरला की कटिंग है, ये यानी कि पूरी पट्टी में पाँच मरला प्लॉट हैं। तो ये प्लॉट कॉर्नर के होने की वजह से ये घर बड़ा है, यानी कि दो मरला इसकी इसमें एक्स्ट्रा लैंड है। इसकी डिमेंशन है 35-45, पाँच मरला की डिमेंशन जो है वो है 25-45। 10 फीट इस प्लॉट का फ्रंट एलिवेशन ज़्यादा है या इसकी विड्थ ज़्यादा है, इस प्लॉट में इस घर की विड्थ ज़्यादा है 10 फीट ना। तो ये इसके साथ बिल्कुल कॉर्नर का घर होने की वजह से ये ग्रीन लैंड दी गई है, ये आप देख सकते हैं। ये इसे आप इंजॉय कर सकते हैं ग्रीन लैंड को, और इसके साथ बिल्कुल ये बड़ा पार्क है बिल्कुल सामने इसके। तो ये अमूमन क्लाइंट्स हमने खुद घर जो है ना प्लॉट परचेज करके दिए हुए हैं, घर के साथ लोन के लिए लहदा वो प्लॉट परचेज करते हैं 1.5 करोड़ का या 1.25 करोड़ का। तो ये आप तकरीबन 4 मरला लैंड इसके साथ ग्रीन लैंड की है जो प्रॉपर मैनेज की गई है, इसे आप इंजॉय कर सकते हैं फ्री में इस तरह। ये इस घर का फ्रंट एलिवेशन है, एलिवेशन में आप देख सकते हैं प्रॉपर जो है टाइल वर्क हुआ है इस पर, ऑफ वाइट की और ग्रे कलर के कम्बिनेशन में ये टाइल जो है यूज़ की गई है इसके फ्रंट एलिवेशन में। ये आप जहाँ पे आपको बैनर नज़र आ रहा है ये फॉर सेल का, ये इसकी टेरेस स्पेस है। और इसके साथ ये जो आपको मिरर नज़र आ रहा है ऊपर बिल्कुल सामने ग्लास लगा हुआ है, ये इसकी बेडरूम है ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर। और ये नीचे जो आपको विंडो नज़र आ रही है बिल्कुल एग्जैक्ट इसके नीचे, ये इसके किचन की विंडो है वेंटिलेशन के लिए दी गई है। और साथ ये जो आपको विंडो नज़र आ रही है बाहर से, ये इसके ड्राइंग रूम की विंडो है। इस तरह इसका यानी कि फ्रंट एलिवेशन का ये डिज़ाइन है, ये आप देख सकते हैं। इसके बाहर जो है वॉल है उसके ऊपर भी प्रॉपर टाइल वर्क किया गया है, ग्लास इसमें यूज़ किया गया है। ये इसका आउटर लॉन है, ये इसका डोर है, डोर आप देख सकते हैं बड़ा सिंपल और यूनिक बनाया गया है, ये स्टील में ये तैयार किया गया, ब्लैक कलर का इस पर पेंट है। ये इसका पोर्च है, पोर्च में आप देख सकते हैं ब्राउन और ग्रे कलर की डिज़ाइनिंग में, वाइट कलर भी है इसमें कि कम्बिनेशन में ये टाइल यूज़ की गई है 2x2 की। ये इसका पोर्च है, पोर्च में आप देख सकते हैं आपकी एक बड़ी गाड़ी आराम से जो है पार्क हो सकती है इसमें। और ये इसकी फ्रंट गली है, इसे आप लॉन्ड्री के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये 10 मरला घर की प्रॉपर जो है इसमें अकोमोडेशन है आप कह रहे हैं। ये इसका फ्रंट एलिवेशन है, ये इसके ड्राइंग रूम की विंडो है, ये ऊपर इसकी टेरेस स्पेस है। ये इसका मेन डोर है, मेन डोर आप देख सकते हैं बड़ा खूबसूरत डिजाइन किया गया है। तमाम डोर्स घर के वुड में तैयार हुए हैं, सॉलिड वुड में, मिरर इसमें यूज किया गया। और ये इसका सीलिंग डिजाइन है, ये आप देख सकते हैं बड़ा सिंपल और खूबसूरत इसका सीलिंग डिज़ाइन है। फैन इसमें इंस्टॉल है, मैं आपको बता दूं ये बिल्कुल सिंपल और सॉलिड वर्क हुआ है इसमें, बड़ा डिसेंट ये घर बना हुआ है। हमारे राइट साइड पे ये वॉल डिज़ाइन की गई है, ये आप देख सकते हैं आयत लिखी हुई है इसमें, बड़ी खूबसूरत लग रही है ये। ये मेन डोर है और इसके साथ ये डोर दिया गया है, ये अंदर से स्टेयर्स के सामने आ रहा है, यानी कि डबल यूनिट ये घर है, इसे आप सेपरेट कर सकते हैं स्टेयर्स के साथ पार्टीशन करके, ऊपरला फ्लोर आपका जो है सेपरेट हो जाएगा बिल्कुल इस तरह। ये इसका ड्राइंग रूम का डोर है जी, हम ड्राइंग रूम के डोर से इंटर होंगे। ये आप देख सकते हैं इसके ग्राउंड पर ये 2x4 की टाइल यूज़ की गई है, ये इसके लिविंग एरिया में और नीचे बेडरूम में, और ये सेम टाइल यूज़ हुई है इसी कलर की इसी साइज़ में, ऑफ वाइट और वाइट कलर का कम्बिनेशन इसमें आप देख सकते हैं। ये इसकी फ्रंट वॉल है ड्राइंग रूम की, बड़ा खूबसूरत इसमें वॉलपेपर यूज़ हुआ है, ग्लोव वगैरह इसमें इंस्टॉल है। और ये इसका सीलिंग डिज़ाइन है, आप देख सकते हैं सिंपल सीलिंग डिज़ाइन इसका, वुडन वर्क हुआ है इसमें, फैन इसमें इंस्टॉल है। और हमारे लेफ्ट साइड पे ये विंडो दी गई है वेंटिलेशन के लिए, सेफ्टी के लिए इसमें यूज़ हुई है। और ये सामने से फ्रंट एलिवेशन में ऐड हो रही है। तो ये ड्राइंग रूम की स्पेस जो आप कह रहे हैं थोड़ी कम रखी गई है, और लिविंग एरिया इसका बढ़ा दिया गया है, इस तरह इसकी स्पेस को मैनेज किया गया। ये हम इसके लिविंग एरिया में आगे हुए हैं, इसे आप प्रॉपर सेपरेट कर सकते हैं, यहाँ पर कर्टन लगा के या वुडन वर्क आप करवा सकते हैं, यहाँ पर डोर वगैरह लगवा सकते हैं। लिविंग एरिया की फ्रंट वॉल डिज़ाइन की गई है मीडिया वॉल, ये आप देख सकते हैं वुडन वर्क हुआ है इसमें, ये इसकी मीडिया वॉल है, ये भी हम इसके लिविंग एरिया में हैं। और ये हमारे बिल्कुल सामने ये ओपन स्पेस दी गई है फ्रेश एयर के लिए, ये फ्रेम जो आपको नज़र आ रहा है इनका ग्लास इसमें यूज़ किया गया है, ये मैं आपको दिखा दूँ, ये क्रॉस छत तक ओपन स्पेस है फ्रेश एयर के लिए, सनलाइट के लिए।
और ऊपर ये आपको जो राइट साइड पे नजर आ रहा है ये भी बेडरूम की विंडो है और लेफ्ट साइड पे भी बेडरूम की विंडो है। ये फ्रेश एयर के लिए इसके साथ अटैच किए गए हैं बेडरूम की विंडो इस ओपन जो ओपन स्पेस के साथ। ये हमारे सामने बिल्कुल किचन है, ये किचन की विंडो दी गई है, इस साइड पे डोर दिया गया है फ्रेश एयर के लिए इस तरह है। ये हम वापस आ गए हैं इसके लिविंग एरिया में। हमारे लेफ्ट साइड पे ये ड्राइंग रूम है इसका, ये अभी हमने विजिट किया है और साथ ये किचन है। और हमारे राइट साइड पे ये इसके दो बेडरूम हैं, ये फर्स्ट बेड है और ये सेकंड बेड है इस तरह है। और इसके साथ ये बिल्कुल स्टेयर है, ये फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे। ये दो बेड है हमारे राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे ये ड्राइंग रूम है जो अभी हमने विजिट कर लिया हुआ है और साथ ये किचन है। ये अभी हम किचन विजिट कर लेते हैं इसका। ये आप देख सकते हैं ये ड्राइंग रूम थोड़ा शॉर्ट किया गया, साथ किचन दिया गया है। ये सामने जो है किचन की विंडो है ये इसके फ्रंट एलिवेशन में ऐड हो रही है, सामने से भी हमने विजिट की है। तो इस तरह इसके स्पेस को मैनेज किया गया, बड़ी खूबसूरती से जो है घर के अकोमोडेशन जो है मैनेज की गई है और बड़ी खूबसूरत लग रही है। और ये इसके लिविंग एरिया का सीलिंग डिज़ाइन है, आप देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल वर्क हुआ है, शैंडल इसमें इंस्टॉल है बड़े खूबसूरत, और ये वुडन वर्क हुआ है इसमें, फ़ैन वगैरह इसमें इंस्टॉल है। और ये सामने स्टेयर्स हैं लिविंग एरिया में दी गई हैं, ये ऊपर जाएंगी आपके फर्स्ट फ्लोर पर। तो पहले हम इसका ये किचन विजिट कर लेते हैं। किचन में सेम टाइल यूज़ की गई लिविंग एरिया की तरह, और ये आप देख सकते हैं वुडन कलर की जो शीट का कलर है इसका बड़ा खूबसूरत, इसका कलर कम्बिनेशन बन रहा है जिसके स्लैब के ऊपर टाइल यूज़ की गई है और इसकी शीट का कलर और नीचे ग्राउंड पे जो टाइल यूज़ की गई है बड़ा खूबसूरत इसका कलर कम्बिनेशन बन रहा है। इसमें आप देख सकते हैं सिंक बर्नर और वुड वगैरह इसमें इंस्टॉल है, फैन इंस्टॉल है, और ये इसके किचन का सीलिंग डिज़ाइन है। इस घर में वेंटिलेशन सिस्टम बड़ा अच्छा है, हर जो है यूनिट को किचन है, बेडरूम है, लिविंग एरिया, ड्राइंग रूम है, उसे फ्रेश एयर के साथ अटैच किया गया सनलाइट के साथ, इस तरह इसे मैनेज किया गया घर इस तरह। और ये इसका लेफ्ट साइड पे इसका मेन डोर है इस घर का, और साथ ये डोर दिया गया, ये पोर्च में ऊपर हो रहा है, ओपन हो रहा है बाहर से, ये डोर भी पोर्च में ओपन हो रहा है बाहर से, ये अंदर से ये स्टेज के सामने आ रहा है इस तरह। पहले हम ये वाला बेड विजिट कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं इसके ग्राउंड में सेम टाइल यूज़ की गई है और ये वेंटिलेशन के लिए विंडो दी गई है। जैसा कि मैंने आपको बताया वेंटिलेशन सिस्टम जो है बड़ा अच्छा है। ये हमारे जो फ्रंट पे ये सामने विंडो नज़र आ रही है, ये इसकी कॉर्नर का घर होने की वजह से ये इसकी साइड की तरफ ओपन हो रही है और ये सामने से आपको ये ग्रीन एरिया नज़र आ रहा है, ये आप व्यू ले सकते हैं इसका। और ये इसकी विंडो दी गई है बिल्कुल सामने, इसकी बैक गली की तरफ ओपन हो रही है ये इस तरह ही है। और साथ ये अब मैं आपको दिखा दूँगी, बैक गली में डोर दिया गया अलहदा ऊपर, यानी कि सर्वेंट रूम के लिए यहाँ से अप्रोच दी गई उसे, बैक गली से भी, अंदर से भी अप्रोच है, बाहर से भी है। और इसके साथ ये बिल्कुल LED पॉइंट दिया गया है, ये आप देख सकते हैं ग्लो वगैरह यहाँ पर इंस्टॉल है। ये इसका सीलिंग डिज़ाइन है बिल्कुल सिंपल, वुडन वर्क हुआ है इसमें, फैन वगैरह इसमें इंस्टॉल है। और इसके साथ सामने ये बेड साइड की जो वॉल है इसे प्रॉपर डिजाइन किया गया इस तरह ही। ये इसकी वॉशरूम साइड है, ये आप देख सकते हैं वॉशरूम से पहले ये कवर स्पेस दी गई है, डबल कवर दी गई है बड़ा खूबसूरत की शीट का कलर है। और ये इसका वॉशरूम है, वॉशरूम में आप देख सकते हैं नीचे ग्राउंड से लेकर ऊपर छत तक ये टाइल यूज़ की गई है, इसमें वेंटिलेशन के लिए विंडो दी गई है, सिंक मोड शावर सेट वगैरह इसमें इंस्टॉल है। और ये इसका सीलिंग डिज़ाइन है, एग्जास्ट वगैरह इसमें इंस्टॉल है। ये हम विजिट कर चुके हैं, ये इसका वॉशरूम है बेडरूम का, बेडरूम के वॉशरूम से पहले ये कवर स्पेस दी गई है और ये मीडिया वॉल दी गई है इसके साथ। ये वापस हम इसके लिविंग एरिया में आ गए हुए हैं, राइट साइड पे हम ये बेड विजिट कर चुके हैं फर्स्ट बेड, ये अभी हम ये सेकंड बेड इसका विजिट कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं सेम टाइल यूज़ हुई है इसमें दूसरे बेडरूम की तरह या लिविंग और ड्राइंग रूम की तरह। ये इसकी बेड साइड की वॉल डिज़ाइन की गई है बड़ा खूबसूरत, इसमें वॉल पेपर यूज़ किया गया है और ये ग्लोब इसमें इंस्टॉल है। ये साथ इसके ये आप देख सकते हैं LED पॉइंट दिया गया है, और आप इसे भी बेड ये साइड के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, ये वॉल भी आप देख सकते हैं प्रॉपर डिज़ाइन की गई है। और ये साथ कवर स्पेस दी गई है,
ये हमारे सामने बिल्कुल वेंटिलेशन विंडो दी गई है, ये इसकी बैक गली की तरफ ओपन हो रही है, और ये इसका वॉशरूम है। वॉशरूम में आप देख सकते हैं बड़ी खूबसूरत कलर में ये टाइल यूज़ की गई है, सामने भी डिफरेंट कलर के कम्बिनेशन में, और नीचे ग्राउंड से ऊपर छत तक ये टाइल यूज़ की गई है। ये इसका सीलिंग डिज़ाइन है, और इसमें आप देख सकते हैं सिंक, कमोड, मिरर वगैरह इसमें इंस्टॉल है, शावर सेट इंस्टॉल है इसमें। ये साथ ही विंडो दी गई है वेंटिलेशन के लिए, इसकी बैक गली की तरफ ओपन होगी। ये इसका एलईडी पॉइंट दिया गया है। ये हम बेड पूरा विजिट कर चुके हुए हैं, ये इसका व्यू है। ये हम वापस आ गए हैं इसके लिविंग एरिया में। तो ये फर्स्ट फ्लोर हम कंप्लीट विजिट कर चुके हुए हैं, मैं आपको दोबारा रिन्यू करवा देता हूँ। ये हमारे लेफ्ट साइड पे ये इसका ड्राइंग रूम है, यहाँ से हम इंटर रूम है, ये मेन डोर आ रहा है लेफ्ट साइड पे। सामने जो स्टेयर्स के लिए डोर दिया गया है, इसके पोर्च की तरफ ओपन होगा, और ये ड्राइंग रूम के साथ ये किचन दिया गया है, इस तरह की इसकी लेफ्ट साइड है। और हमारे फ्रंट पे ये फ्रेश एयर के लिए ओपन स्पेस दी गई है, ये क्रॉस छत तक है इस तरह की। और हमारे राइट साइड पे ये दो बेड दिए गए हैं, ये हम लिविंग एरिया में मौजूद हैं, ये ऑलरेडी पॉइंट दिया गया है, और ये दो बेड हैं। और ये स्टेयर्स फर्स्ट फ्लोर पे जा रही है। अभी हम फर्स्ट फ्लोर विजिट कर लेते हैं इसका, मैं आपको इसका एक व्यू दे देता हूँ। ये आप देख सकते हैं इसके लिविंग एरिया का व्यू है, ये आप देख सकते हैं स्टेयर्स में ये स्टील स्टेयर्स यूज़ की गई हैं, और ये ग्लास इसमें यूज़ किया गया है, और स्टेयर्स में ये टाइल वर्क हुआ है, ये ब्लैक, ऑफ वाइट, वाइट, ब्राउन कलर के कम्बिनेशन में ये टाइल यूज़ की गई है। और ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे भी ग्राउंड फ्लोर की तरह सेम टाइल यूज़ की गई है, सेम कलर में और सेम जो है साइज़ में। ये हम इसके ऊपर लिविंग एरिया में आ गए हैं, ये आप देख सकते हैं लिविंग एरिया की फ्रंट वॉल इसकी डिज़ाइन की गई है बड़ी खूबसूरत, इसमें बड़ा खूबसूरत इसमें वॉलपेपर यूज़ किया गया है। ये इसका सीलिंग डिज़ाइन है, वुडन वर्क हुआ है, इसमें फ़ैन वगैरह इसमें इंस्टॉल है। यहाँ से स्टेयर से हम ऊपर आएंगे, ऊपर जाएंगी सीधा इसकी ममटी पे या छत पे इस तरह। अभी हम इसके लिविंग एरिया में मौजूद हैं, ये इसकी फ्रंट वॉल है, ये हमारे राइट साइड पे लिविंग एरिया में ये मीडिया वॉल दी गई है, ग्लोब वगैरह यहाँ पे इंस्टॉल है लिविंग एरिया में, और साथ ही ओपन किचन दिया गया है। आप देख सकते हैं नीचे ग्राउंड फ्लोर के किचन की तरह सेम जो है वुडन कलर की इसमें शीट यूज़ की गई है, बर्नर वुड वगैरह इसमें इंस्टॉल है, फैन इसमें इंस्टॉल है, ये वेंटिलेशन के लिए विंडो दी गई है इसमें, और ये इसके टेरेस की तरफ ओपन हो रही है बाहर से, एग्जास्ट वगैरह इसमें इंस्टॉल है। ये इसका किचन का सीलिंग डिज़ाइन है, ये इसका किचन है लिविंग एरिया के साथ अटैच है, ये ओपन है ये। तो हमारे अभी लेफ्ट साइड पर ये एक बेडरूम दिया गया है, ये इसके फ्रंट एलिवेशन वाली साइड के, और साथ ओपन किचन है, और साथ ये टेरेस का डोर है, ये इसकी लेफ्ट साइड है। और हमारे राइट साइड पे ये दो बेड दिए गए हैं, ऊपर तीन बेड हैं, नीचे दो हैं इस तरह के। तो पहले हम ये राइट साइड वाला बेड जो है विजिट कर लेते हैं, सेम टाइल यूज की गई है इसमें ग्राउंड फ्लोर की तरह और फर्स्ट फ्लोर की तरह। इस बेडरूम में भी ये वेंटिलेशन के लिए विंडो दी गई है, इसकी ये बैक गली की तरफ ओपन होगी। यहाँ से आप पार्क का व्यू आ रहा है आपको, ये आप देख सकते हैं, ये सामने विंडो दी गई है वेंटिलेशन के लिए, ये इसके फ्रंट वॉल है, ये आप देख सकते हैं प्रॉपर इसे वॉलपेपर के साथ डिज़ाइन किया गया है, खूबसूरत ग्लोब इसमें इंस्टॉल है, और इसके वॉलपेपर का और टाइल का कलर कम्बिनेशन बड़ा अच्छा बन रहा है। और ये इसका सीलिंग डिज़ाइन है, सिंपल और खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन है इसका, वुडन वर्क हुआ है इसमें, और बेड साइड के बिल्कुल सामने ये मीडिया वॉल दी गई है, और ये कवर स्पेस दी गई है साथ इसके। साथ ये इस रूम को एक में वेंटिलेशन के विंडो इस साइड से दी गई है, और दूसरा ये ओपन स्पेस की तरफ से इसे विंडो दी गई है, ये ग्राउंड फ्लोर से ऊपर क्रॉस छत तक ये स्पेस दी गई है इस तरह, ये विंडो। ये इसका वॉशरूम है, वॉशरूम में आप देख सकते हैं बड़ी खूबसूरत जो है कलर की टाइल यूज़ की गई है, और हर वॉशरूम में भी छत तक टाइल यूज़ की गई है, आप देख सकते हैं। ये वेंटिलेशन के लिए स्पेस दी गई है बाहर से, इसकी ओपन स्पेस की तरफ ये खुलेगी। सिंक, कमोड, मिरर, शावर सेट वगैरह यहाँ पे इंस्टॉल है। ये आपका सीलिंग डिजाइन है, ये आप देख सकते हैं इसका सीलिंग डिजाइन। ये रूम आप विजिट कर चुके हैं, ये इसका वॉशरूम है, ये साथ ओपन स्पेस दी गई है वेंटिलेशन के लिए, ये इसकी फ्रंट वॉल है, ये वेंटिलेशन के लिए विंडो इसकी बैक गली की तरफ ओपन हो रही है, ये एलईडी पॉइंट दिए के साथ ये कवर्ड स्पेस। ये वापस हम इसके लिविंग एरिया में आ गए हैं, तो ये हमारे राइट साइड पे एक बेड है, ये हम सेकंड बेड विजिट कर लेते हैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे।
ये आप देख सकते हैं बिल्कुल सामने वेंटिलेशन के लिए विंडो दी गई है, इसकी बैक गैलरी की तरफ ओपन हो रही है और साथ ये दो विंडो दी गई है वेंटिलेशन, ये इसकी साइड गैलरी की तरफ ओपन होगी इस तरह। ये स्ट्रीट व्यू आप यहाँ से ले सकते हैं। और इसके सामने बिल्कुल ये बेड साइड की वॉल डिज़ाइन की गई है, बड़ा खूबसूरत इसमें वॉलपेपर यूज़ किया गया है और साथ ये एलईडी पॉइंट दिया गया है, मीडिया वॉल आप कह रहे हैं, एलईडी पॉइंट कह रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। ग्लो वगैरह यहाँ पर इंस्टॉल है, ये इसका सीलिंग डिज़ाइन है, सिंपल वुडन वर्क हुआ है इसमें, फैन वगैरह इसमें इंस्टॉल है और ये इसकी इसका वॉशरूम है। ये आप देख सकते हैं वॉशरूम से पहले ये कवर स्पेस दी गई है, डबल कवर स्पेस दी गई है ये, और ये इसके वॉशरूम की टाइल का कलर आप देख सकते हैं, ये बड़ा खूबसूरत डिज़ाइन और छत तक यहाँ पे भी टाइल यूज़ हुई है। ये इसका सीलिंग डिज़ाइन है, एग्जास्ट वगैरह इसमें इंस्टॉल है, सिंक कमोड मिरर वगैरह इसमें इंस्टॉल है, सामने वेंटिलेशन के लिए विंडो दी गई है। ये इसका वॉशरूम है, ये डबल कवर दी गई है वॉशरूम से पहले, ये एलईडी पॉइंट दिया गया है, ये डबल विंडो दी गई है वेंटिलेशन के लिए। ये हम वापस आ गए हैं इसके लिविंग एरिया में, तो ये मेरी राइट साइड पे दो बेड हैं, ये हम विज़िट कर चुके हैं, लेफ्ट साइड पे ये किचन है और एक बेड दिया गया साथ ही टेरेस का डोर है इस साइड पे। तो ये हम किचन विज़िट कर चुके हैं, थर्ड बेड ऊपर विज़िट कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं ये सामने बेड साइड की वॉल को डिज़ाइन किया गया है, वॉल पेपर इसमें बड़ा खूबसूरत यूज़ हुआ है, गोल ग्लोब यहाँ पर इंस्टॉल है, ये इसका सीलिंग डिज़ाइन है, वुडन वर्क को वैसे सिंपल सीलिंग डिज़ाइन है, फैन इसमें इंस्टॉल है, ये सामने वेंटिलेशन के लिए विंडो दी गई है। ये आप देख सकते हैं प्रॉपर डेवलप ये ब्लॉक है, ये बालकनी दी गई है बाहर, मौसम कभी अच्छा हो तो आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं बाहर। ये बेड वॉल के सामने बिल्कुल ये एलईडी पॉइंट दिया गया है और ये सामने बिल्कुल ये हम ये इसका वॉशरूम है और साथ ही वेंटिलेशन की विंडो दी गई है जो इसकी ओपन स्पेस के साथ अटैच है। ये सब का हम वॉशरूम विजिट कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं वॉशरूम में हल्के ग्रे कलर में और ग्रे कलर में ये टाइल यूज़ की गई है, सामने डिफरेंट कलर के कम्बिनेशन में छत तक ये टाइल जो है यूज़ की गई है, एग्जास्ट वगैरह इसमें इंस्टॉल है, ये साथ वेंटिलेशन की विंडो दी गई है, इसके टेरेस की तरफ ओपन होगी, सिंक कमोड मिरर वगैरह इसमें इंस्टॉल है, ये इसका वॉशरूम है, ये वेंटिलेशन की विंडो दी गई है, बेड साइड की वॉल है और ये साथ इसके कवर्ड स्पेस दी गई है, ये आप देख सकते हैं। और बेड साइड के बिल्कुल सामने ये एलईडी पॉइंट दिया गया, इसके साथ ये किचन के बाद ये टेरेस का डोर है, ये हम इसका टेरेस विजिट कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं टेरेस में सेम पोर्च की तरह टाइल यूज़ की गई, ये इसका टेरेस डिज़ाइन है, बड़ा खूबसूरत इसके टेरेस का डिज़ाइन है। ये विंडो देंगे वेंटिलेशन के लिए, ये किचन की विंडो है, अंदर से बाहर से टेरेस की तरफ ही ओपन हो रही है और ये आप टेरेस से ये व्यू ले सकते हैं इसके स्ट्रीट का, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल सामने इसके पार्क है और ये साथ ग्रीन लैंड आपको फ्री में मिलेगी कॉर्नर में, ये इसका स्ट्रीट व्यू है। फर्स्ट फ्लोर विजिट कर चुके हैं, ऊपर तीन बेड हैं, एक किचन है, इस तरह ये आप स्टेयर्स जाएंगे ऊपर, ये इसकी ममटी का डोर है लैदा और छत का ये लैड और दिया गया, ये आप देख सकते हैं ममटी में वेंटिलेशन के लिए विंडो दी गई है, ये इसकी छत है, छत पे ये टाइल यूज़ की गई है और ये क्रॉस स्पेस जो ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर से ऊपर आ रही है छत तक, ये उसकी विंडो रखी गई है, ये आप देख सकते हैं फ्रेश एयर के लिए सनलाइट के लिए ये, और ये आप देख सकते हैं पार्क, बड़ा पार्क इसके बिल्कुल करीब है और साथ तीन चार मरला की जो ग्रीन लैंड है इसके कॉर्नर के साथ जो है वो फ्री में मिलेगी। तो ये सात मरले का घर है, इसमें पांच बेड हैं, दस मरला के घर में पांच बेड, बेहतरीन इसकी अकोमोडेशन है, बड़ा अच्छा और सॉलिड घर बना हुआ है। 3 करोड़ रुपये इसकी डिमांड कर रहे हैं और दो जो दोस्त या क्लाइंट इसमें इंटरेस्टेड है हमारा नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, अब हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।